Good morning, friends. Welcome to the Hindi explanation for the Hindu newspaper, 11 September 2019. So we come with the first topic. Poll for Block Development Council in Jammu and Kashmir by monthend. So, इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि ब्लॉक डेवलपमेंट लेवल के जो चुनाव हैं जम्मू कश्मीर में मंथ के एंड लेवल तक कंडक्ट कराने का प्लान है. तो हम इसे कैसे देखते हैं? एक तीन तरह की पंचायतें होती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की, एक ब्लॉक लेवल की और एक होती है ग्राम लेवल की. तो ब्लॉक लेवल की जो पंचायत होती है उसका भी चुनाव के थ्रू ही इलेक्शन होता है. तो जम्मू कश्मीर में आफ्टर 370 हटाने के पहला जो इलेक्शन होने जा रहा है वो ब्लॉक लेवल का, जो कि वहाँ पे शांति और लोगों के बीच में अवेयरनेस भी लाएगी और साथ ही साथ वो लोगों के बीच में सुरक्षा का व्यवहार भी लाएगी, जिससे कि एक गवर्नमेंट और आम जनता के बीच में सुरक्षा का एक मापदंड स्थापित होगा, क्योंकि ये पहला इलेक्शन. तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या हैं? वहाँ पे जो भी मिलिटेंट्स हैं उन्होंने पहले से धमकी दी हुई है कि यदि किसी भी तरह का इलेक्शन कंडक्ट कराया गया या फिर किसी भी तरह की एक्टिविटी की गई तो वो बहुत बड़ा एक्शन लेंगे. जैसा कि हम जानते हैं फुलवामा अटैक जैसे एक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो हमारे पास क्या है, ये दिसंबर में ही ग्राम पंचायत लेवल का भी चुनाव होना है. तो इसमें ब्लॉक लेवल के चुनाव करके ये हम सिक्योर करना चाहते हैं कि हम सुरक्षित हैं और आम जनता के लिए भी जगह सुरक्षित है. और 370 हटने के बाद ये चुनाव बहुत ही ज़्यादा मायने में इम्पोर्टेंट रखता है. तो इसमें क्या है, ब्लॉक लेवल के चुनाव वो जो कि मंथ एंड तक हो जाने हैं. तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है, पहला चुनाव ये प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो सबसे पहला है चुनाव 370 हटने के बाद हुआ वो ब्लॉक लेवल अथॉरिटी का हुआ. इसके लिए सारे पंचायतों ग्राम पंचायतों और सबको बुलाया गया है. हालांकि हम जानते हैं पाकिस्तान और कई देश जो कि इसके खिलाफ हैं और अभी भी अलग अलग एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं. तो इसमें पंचायत जिला पंचायत सबको बुला करके इनको शांति ढंग से चुनाव करने के लिए कहा जा रहा है. लेकिन साथ ही क्या है, यहाँ के कई लीडर अभी भी जेल में हाउस अरेस्ट हैं क्योंकि उनके वजह से एक्शन लेने की प्रॉब्लम अराइज हो चुकी है. ऐसा लग रहा है कि वो भड़काऊ बयान देंगे. तो इसको कैसे सही किया जा सकता है कि आम जनता जो कि ग्राम पंचायत लेवल की है, जो कि आम जनता सबसे ज़्यादा नीचे के पंचायतों से बनती है और बड़े बड़े लीडर्स से नहीं, जो कि आम जनता के बीच में चुने जाते हैं जो कि छोटे स्तर पर होता है. तो ब्लॉक लेवल का पंचायत का चुनाव करने के बाद जब लीडर्स आम जनता के नए होंगे तो फिर ये होगा कि जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको बाद में रिलीज किया जा सकता है और एक्शन में हेल्पफुल होगी, जो कि गवर्नमेंट के लिए मददगार होगी वहाँ पे शांति फैलाने के लिए और वहाँ से कर्फ्यू हटाने के लिए, क्योंकि 370 हटाने के बाद वहाँ लगातार कर्फ्यू लगा है जिसकी वजह से वहाँ का टूरिज्म भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ है और अस्त व्यस्त और जनजीवन. जैसा कि जानते कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीन अलग टेरिटरी बनी है. तो उसके बारे में भी एक्सप्लेन करना और उसके बारे में नए नए एक्शन लेना और नई चुनौतियों भरा ये कार्य है. तो ये इसलिए भी हेल्पफुल है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है इंडिया कंट्री पाक स्टेटमेंट ऑन जम्मू कश्मीर ऑन यूनियन राइट मीट. जैसा कि हम जानते हैं ह्यूमन राइट काउंसिल जो कि यूएन की है, हाल ही में उसका कॉन्फ्रेंस चल रहा है. तो उसमें पाकिस्तान हमारे कश्मीरी मुद्दे को बहुत जम के उछालने की कोशिश कर रहा है और ये क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है कि वहाँ पे राइट्स का हनन हुआ है, यानी कि एक सिटीजन्स के अधिकारों का हनन हो रहा है. तो इसमें पाकिस्तान एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जब भी ये बोला जा रहा है तो वहाँ पे जो हमारे सेक्रेटरी मिनिस्टर है विजय ठाकुर सिंह, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, वो क्या कह रही हैं कि नहीं वहाँ नहीं हुआ है और वो उसको बहुत बखूबी से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हैं और एक्सप्लेन कर पा रही हैं. तो हम इसको कैसे देखते हैं कि वो कैसे एक्सप्लेन कर पा रही हैं. वो बता रही हैं कि
वहाँ पे हमारे खुद के देश में खुद NRC है, यानी कि नेशनल राइट कमीशन, जो कि हमारे देश के आम नागरिकों की राइट के लिए रक्षा करता है और राइट्स को लुक आफ्टर करता है। यानी कि यदि कहीं अधिकारी खनन होता है या फिर कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेट या फिर किसी भी तरीके की पार्शियलिटी होती है, तो वो उसको देखभाल करता है और उसके खिलाफ क्विक एक्शन लेता है। साथ में ही जो कश्मीर है वहाँ 370 हटा करके हमने अपने देश में उसको जोड़ा है, और उस वहाँ पे कई ऐसे आधिकारिक चीज़ें हैं जो कि राइट्स हैं जो कि नहीं अवेलेबल थी, लेकिन वो अब हम इसके बाद उनको मिल जाएंगी और उनको बहुत सारे प्रॉफिट्स भी होंगे। और साथ ही जम्मू कश्मीर हमारे देश का इंटरनल मैटर है, जिसके लिए कोई भी चीज़ बाध्य नहीं है, कोई भी देश बाध्य नहीं है, ना ही वहाँ पे आप जैसा कि जानते हैं कि वो टेररिज्म और सारे के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, ना कि हिंदुस्तान। और ये तो जम्मू कश्मीर को हम अपने उसमें जोड़ करके उनको बहुत सारी फैसिलिटी दे रहे हैं और बहुत सारी आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और साथ ही उनको ह्यूमन राइट्स ही नहीं और भी बहुत सारे राइट मिल रहे हैं, जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो सके, उन्हें बहुत सारी फ़ायदे मिल सके। जैसा कि जम्मू कश्मीर में फ़ायदे और फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसको हम कैसे देखते हैं कि जो नेशनल काउंसिल है, यूनियन नेशनल काउंसिल, वहाँ पर कौन से हमारी एक्सटर्नल मिनिस्टर गई थी, उनका नाम था विजय ठाकुर सिंह। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि यूनियन ह्यूमन राइट काउंसिल में पाकिस्तान ने किस मुद्दे को उठाया था, और तो वहाँ पे उन्होंने 370 हटाने के मामले को उठाया था। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक किस पे है, तो नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया शुड हैव जॉइंट US बैन से इकोनॉमिक्स। तो ये टॉपिक हमारा है किस टॉपिक पे, ये टॉपिक है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस पे है, जो कि इंडिया और ईरान के बारे में है। तो क्या हुआ है इस टॉपिक में, क्या है वहाँ के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, जो कि अली चिन्ना चिंकाई, उनका ये कहना है कि हाल ही में जो इंडिया ने US के दबाव के कारण इंडिया से ईरान से रिलेशनशिप कम कर दी है, उसके बारे में उन्होंने कहा है, क्योंकि उनकी न्यूक्लियर डील के बाद US ने कई देशों पर दबाव डाला कि ईरान से तेल खरीदना बंद कर दे। तो लेकिन इंडिया के पास बहुत बड़ा सोर्स ईरान से आता है, और जो कि उनके एटमॉस्फेरिक और रिलेशंस और साथ में एनर्जी के लिए ईरान हेल्पफुल है, तो इंडिया को एक्सटेंशन मिली थी ताकि वो और अभी भी तेल तेल को ले सके। लेकिन आखिरी में मई में वो एक्सटेंशन ख़त्म कर दी गई, और वो ख़त्म होने के बाद ही उन्हें हिंदुस्तान ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया ईरान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो ईरान के मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, वो उन्होंने इस आर्टिकल में ये बताया है कि कई ऐसे देश हैं जो कि US के यानी अमेरिका के दबाव के बावजूद भी अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करके ले रहे हैं, जैसे कि चाइना, रूस, जापान, वो अभी भी तेल ले रहे हैं, लेकिन उसी जगह जो हिंदुस्तान है उसने बंद कर दिया। तो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर का क्या कहना है कि इसके वजह से कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, टर्की ले रहा है, चाइना ले रहा है, रशिया ले रहा है, तो आप क्यों नहीं ले रहे हैं, आप US के दबाव में चल रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़े और हमारे रिलेशनशिप में खटास आए, क्योंकि एक ऑलरेडी जो हमारा ईरान के साथ एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है शहीद बेहश्ती टर्मिनल। इसमें क्या है कि हिंदुस्तान को रेलवे लाइन बिछानी है, जो कि बहुत ज़्यादा डिले चल रही है, तो इसके बारे में भी उन्होंने बात की है, और वो बता रहे हैं कि ये रिलेशनशिप सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, उन्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होगा, नहीं तो इंडिया को उस रिलेशनशिप से निकाल दिया जाएगा। लेकिन हिंदुस्तान ने उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, अपना एफर्ट, अपना नॉलेज, अपनी मनी, ताकि वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। तो इसमें क्या बताया है उन्होंने कि जल्द से जल्द वो चाहे तो अभी भी तेल ले सकता है, और हमारे लिए हेल्पफुल भी है, क्योंकि ईरान से हमारे बहुत सारी एनर्जी जुड़ी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट तेल का वहीं से होता है, और बहुत ही ज़्यादा हमारे देश को तेल की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा देश एक उभरता हुआ देश है जिसको तेल की सख्त ज़रूरत है। तो इसको हम कैसे देखते हैं,
कि किसके दबाव में हिंदुस्तान ने ईरान से तेल लेने में प्रॉब्लम की, या फिर अमेरिका ने, क्वेश्चन ये होगा कि अमेरिका ने किस देश से हिंदुस्तान को तेल इंपोर्ट करने के लिए न्यूक्लियर डील की वजह से मना किया, तो इसका आंसर क्या होगा, ईरान, और वो कौन सा देश है, अमेरिका, जिसने मना किया है, और हिंदुस्तान ने कब बंद कर दिया, मई में ये तेल लेना। तो ये है इसका क्वेश्चन। और आप एक देख सकते हैं ओनम, ओनम का फोटो भी है इसमें, जो कि केरल में मनाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि ओनम कहाँ मनाया जाता है, तो वो केरल में। नेक्स्ट टॉपिक, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट से। दिल्ली आंसर टेक पोल इन इंडिया स्टार्टअप ग्रिड। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि दिल्ली और एनसीआर, अभी एक हाल ही के सर्वे में पाया गया कि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप हुए हैं पिछले साल में, तो वो कितने हैं, 7000, लेकिन सिर्फ दिल्ली में 4491 और नोएडा में 1004 और गुड़गांव में 1544। तो हम इसको कैसे देखते हैं, यदि एलोंग अकेले काउंट किया जाए तो बैंगलोर है जो 5234 से है, लेकिन हम जब दिल्ली एनसीआर देखते हैं तो उसमें गुड़गांव, नोएडा और दिल्ली तीनों आते हैं। तो हम क्या इसमें देखते हैं कि हिंदुस्तान एक उभरता हुआ देश है और लोग नए नए स्टार्टअप, नए नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं और समय के साथ वहाँ पर डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है। तो हिंदुस्तान एक तरीके से नए बिजनेस का हब बनते जा रहा है और हमें नए नए बिजनेस देखने को मिल रहे हैं। तो हम क्या समझते हैं उससे, कि हम ये समझते हैं कि इंडियन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है दिल्ली स्टार्टअप। यदि हम स्टार्टअप करते हैं तो वो भारत के इकोनॉमिक को भी मददफुल करेगी और हमें एक नया बिजनेस भी देती है। तो यही ये इस टॉपिक में बताया गया है कि उसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या आएगा, स्टार्टअप में सबसे ज़्यादा कौन सी सिटी आगे है, तो वो है बैंगलोर, लेकिन यदि दिल्ली एनसीआर लिखा हो तो वहाँ दिल्ली एनसीआर आ जाएगी, लेकिन सिंगल दिल्ली या फिर सिंगल नोएडा या गुड़गांव लिखा हो तो फिर बैंगलोर आएगा। ये हमें नोट डाउन कर लेना है इस टॉपिक के लिए। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, 2 न्यू स्पीसीज ऑफ जिंजर डिस्कवर्ड इन नेदरलैंड। अदरक की 2 नई प्रजाति पाई गई है। तो वो दो नई प्रजाति है, उसका नाम क्या है, जिंजर डिसाम्पू रेंस इज टॉलेस्ट इन साइज, यानी कि उनकी जो लीफ है वो आम पत्तियों से, मतलब आम जो अदरक होती है उसकी पत्तियों का साइज होता है 70 cm, लेकिन जो नई पाई गई है वो है 90-120 cm। और ये कहाँ पाई जा रही है, जो कि नागालैंड में पाई जा रही है, जो कि बोटनी जो कि पेड़ों के उर्वरकों और जड़ी बूटियों के बारे में स्टडी करता है वो उसके बारे में होता है। सो व्हाट वी फाउंड देयर, वो क्या है, जिंगा बेयर पेनेसन, और वो कौन सा ये, और दूसरा कौन सा, जिंगर बेयर डिमा पूरेंस, दो प्रजातियों का जो नाम है जो कि वहाँ पे पाई गई हैं। तो इसमें क्या होगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा, जो नई प्रजाति पाई गई है जिंजर की वो कहाँ पाई गई है, नागालैंड में। उसमें क्या फ़र्क है, लीव्स में, उनकी पत्तियों में, जो कि उससे 25% ज़्यादा बढ़ी है, पहले 70% थी अब 90-120% हो गई हैं। और दूसरा क्या है, उनके नाम, उनका नाम है पेरानीस और दूसरा है दिमा पुरनीस, जैसा कि ये देखिए जिंगा बेर पेरानीस और ये दिमा पुरेंस। ठीक है, इससे हमारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट टॉपिक, अगेन ये क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स का, जो कि है मोदी ऑयल, यानी कि हिंदुस्तान ने एक नया पाइपलाइन इनोग्रेट किया जो कि मोदी ने, इंडिया और नेपाल के बीच में है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है जो कि मोदी जी ने चालू किया है, वो है मोतिहारी अमालेखा गुंज पाइपलाइन, 69 किलोमीटर में है। क्योंकि नेपाल किसी भी समुद्र से नहीं कनेक्ट करता है, तो उसे डायरेक्ट किसी भी तरीके से
ऑयल का कनेक्शन नहीं है, तो हिंदुस्तान ने क्या किया, उस एक ऐसी पाइपलाइन डाली जो कि मोतिहारी और अमलेखा के बीच में 69 किलोमीटर कनेक्ट करती है, जिसको कि हिंदुस्तान ने बना के दिया है। तो इसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा नेम, तो मोतिहारी और अमलेखा पाइपलाइन 69 किलोमीटर्स, और ये कहाँ है, वो है नेपाल में, इंडिया नेपाल में। किसने इनोग्रेट किया, मोदी जी ने। इसमें मेन टॉपिक यही है, जो कि हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यदि पूछा जाएगा हम कैसे नेपाल को हेल्पफुल कर रहे हैं, तो इसमें एक टॉपिक ये भी होगा, मोतिहारी अमलेखा पाइपलाइन। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक नेक्स्ट है वो है एडिटोरियल से, जो है फैक्टरिंग एंड सेफ्टी, जिसमें कि ये बताया गया है जो कि 2019 में जो नया गवर्नमेंट ने नियम लागू किया, जो कि फैक्ट्री इन सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी मेजर्स हर गवर्नमेंट को, हर किसी कंपनी को जो कि सेफ्टी मेजर्स रखने होंगे, जो भी 500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय करती है, सारे सेफ्टी, वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर कंपलसरी है, वहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट कंपलसरी है, वहाँ पे सेफ्टी एक के सारे मेजर्स लेने चाहिए, हेलमेट, शूज और कपड़े, सब कुछ। आज जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में ऑयल, इंडियन ऑयल में एक क्राइसिस हुआ था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि पूरे सेफ्टी मेजर्स नहीं थे, एक तरीके से वो ह्यूमन मेड मेजर्स भी पाया गया था। वैसे ही कई कंपनियां हैं जिसमें कि आग लग जाती है, उसके बाद कई डेथ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स नहीं होते हैं, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होते हैं, वहाँ पे फायर अलार्म्स नहीं होते हैं, कहीं पे कुछ हेलमेट्स नहीं होते हैं, कई जगह मौतें इसलिए हो जाती हैं क्योंकि गिर के भी मौतें हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी बेल्ट का यूज़ नहीं किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने कंपल्सरी किया, पहले भी ये सेफ्टी मेजर्स का नियम था, जो कि 1991 में भी था, और अब आया है 2019 में। दोनों में फ़र्क क्या है, ये अभी वाले में भी क्या है कि स्टेट से लेना है, और इसमें कई कमेटी मेंबर्स हैं, जो कि कमेटी मेंबर्स कौन से हैं, एक्स कंपनी एम्प्लॉयज हो सकते हैं, खुद कंपनी के एम्प्लॉय होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, एक्स सेफ्टी ऑफिसर्स होंगे, और साथ में होंगे एक्स कोई आईएएस ऑफिसर्स, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो सकते हैं, और ये स्टेट अथॉरिटी पे होगा। लेकिन जैसा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, पहले भी ये स्टेट लेवल पे ही था, लेकिन बहुत सारे मेसर्स ऐसे प्रॉब्लम हो गई थी कि तब भी सेफ्टी मेसर्स को नहीं देखा जाता था। जैसे कि आप देख सकते हैं कई ऑयल फील्ड्स हैं, ऑयल फील्ड्स में ISI मार्क के हेलमेट यूज़ नहीं किए जाते, शूज़ यूज़ नहीं किए जाते, जो कि ना ही बेल्ट, और जैसे कि टावर कंपनियां होती हैं वो भी ISI मार्क बेल्ट यूज़ नहीं करती, ना ही पूरे मार्क के हेलमेट यूज़ करती है, ना ही शूज़ यूज़ करती हैं। तो आए दिन टावर से गिर करके एम्प्लॉयज़, और ऑयल फील्ड में भी गिर के एम्प्लॉयज़, वहाँ पे पाँव में चोट, ये सब लगती है, और कई ऑटोमोबाइल कंपनियाँ जहाँ पे सेफ्टी मेजर्स के इंस्ट्रूमेंट नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि जो छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ होते हैं कुछ महीने के लिए, उनको सारी फैसिलिटी नहीं दी जाती, क्योंकि वहाँ सेफ्टी ऑफिसर्स ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि कंपनी का एक हिस्सा उस सेफ्टी मेजर्स में जाता है, जो कि वो बचा करके कोशिश करते हैं अपने प्रॉफिट में डालने के लिए। तो गवर्नमेंट ने ये सख्त नियम कर दिया कि अब इसका हमेशा चेकिंग होगी, और इसको वो हेल्पफुल होगा। हम कैसे इसको मदद कर सकते हैं, जो कि 1981 में था, फेलियर रहा, तो अब नया जो है वो हेल्पफुल कैसे होगा, तो हेल्पफुल इसलिए हो सकता है यदि हम हमेशा ध्यान रखें और सेफ्टी का, और इसके बाद हम समय पड़ने पे उसके बारे में गवर्नमेंट को बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ हो रही है और क्या क्या नहीं हो रही है, यूनियन उसे बताए, यहाँ की जनता उसे बताए, जो भी वहाँ एम्प्लॉय कर रहा है। तो इसमें यही मेन आर्टिकल में लिखा है 2019 न्यू इम्प्लीमेंटेशन, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस पे हम एक स्पेशल आर्टिकल लाएंगे, क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन है, जो कि 250 वर्ड्स पे लिखा जा सकता है। हम स्पेशल इस पे एक टॉपिक पे एक एडिटोरियल लाएंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को, ताकि मैं आपके लिए बेहतर वीडियो ला सकूं और बेहतर तरीके से उसे एक्सप्लेन कर सकूं, और बहुत ही आम लैंग्वेज में, जो आप रोज़ बोलचाल की लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, मैं आप लोग को आपकी बोलचाल की लैंग्वेज में ही वीडियो देना चाहता हूँ, ताकि आप अपने बोलचाल की लैंग्वेज से उसको समझ सकें और अपनी लैंग्वेज में उसे लिख सकें। अब आता है हमारे टिप का। तो आज का टिप क्या है, जो सोया वो खोया, जो जागा वो पाया, यानी कि आज उठो, आज काम करो, कल जरूर फ्यूचर बेटर होगा, कल लबासना होगा, लबासना यानी ड्रीम, ड्रीम यानी कि
एक बहुत ही उज्जवल भविष्य। यदि आज आप मेहनत करोगे तो कल जरूर आप सक्सेसफुल होंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर स्टडी विथ ए न्यू जोश, विथ न्यू हैप्पीनेस एंड विथ न्यू ग्रेसफुल। सो उठो, जागो और कुछ बन के दिखाओ, कुछ करके दिखाओ। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून एंड दिस सब्सक्राइब माई चैनल एज सून एज पॉसिबल। और फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर भी कीजिए। शेयर करने से सिर्फ दूसरे को भी नॉलेज होगी कि कैसे हेल्पफुल करना है और कैसे पढ़ाई करनी है। इसलिए मेरे चैनल को शेयर करें फेसबुक, इंस्टा और सारी आईडीज़ पे, प्लीज़ फ्रेंड्स।